show that f of x equal to tan inverse sin x plus cos x is an increasing function in 0 to pi by 4. आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए 0 से पाई बाय 4, मतलब कि इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा आना चाहिए. अगर आप 0 से पाई बाय 4 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो इसको डिफरेंशिएट करो. देखो सबसे पहले ये बन रहा है tan इनवर्स x. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस sin x plus cos x का होल स्क्वायर. तो आपको अंदर वाले का करना है, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x. cos x माइनस sin x 1 प्लस sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर. अगर आप ध्यान से देखो ये 0 से बड़ा है. देखो कैसे, 0 से पाई बाय 4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी से ले लो. आप ये 0 से बड़ा इक्वल टू भी लिख दो. जैसे मान लो आपने यहां पे 30 डिग्री लिया, x को 30 डिग्री लिया, cos 30 रूट 3 बाई 2, sin 30 1 बाई 2. देखो यहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है, नीचे चेक करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नीचे चेक करने की आपको जरूरत नहीं है. अब इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम 2 रूट 3 होता है 1.73. देखो ये बन रहा है 0.73/2, तो ये 0 से बड़ा ही है. ठीक है, तो आप 0 से पाई बाय 4 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल के देखो, या तो आंसर इसका 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा. तो ये दो नंबर का ही क्वेश्चन था. तो आप लिख सकते हो f इज इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू, इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4, ये आपका आंसर हो जाएगा.